नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों मैं राम सिंह, अपन ने शुरू कर दिया था दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज को मैं दोस्तों टाइप 13 तक लेके जा चुका था। मतलब अब मैंने अब तक आपको 14 पार्ट्स दे दिए, 14 पार्ट्स दे दिए हैं परसेंटेज में। ये लास्ट पार्ट है और लास्ट टाइप है दोस्तों। अपन ने जो अब तक बुक्स कवर की थी दोस्तों, उसमें से कौन कौन सी किताबें थी जिनमें से ये सवाल लिए गए थे, उसमें मैं बता देता हूँ। RS अग्रवाल थी, किरण थी, राकेश यादव थी, अरियंत पब्लिकेशन की थी दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करते हैं परिष्कार पब्लिकेशन की थी, मतलब इन सभी किताबों में। इसके अलावा प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन की जो आती है दोस्तों, इन सभी किताबों में से मैंने अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन निकाले, उन सब सवालों को टाइप वाइज डाले और मैंने आप लोगों के सामने वो सब टाइप वाइज सॉल्यूशन करता गया। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी किताब में फिर भी आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको फिर भी किसी सवाल में या किसी किताब के किसी सवाल में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी सीरीज़, वीडियो की सीरीज़ जो है अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही दोस्तों आप हमें बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, तो ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेशन जो है वो मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपन टाइप 14 की तरफ। अपना टाइप 13 तक का हो गया था दोस्तों, टाइप 14 आज करनी थी दोस्तों अपन को। टाइप 14 में मैं बिना समय गंवाए अपन सवाल नंबर एक लेते हैं दोस्तों। मैं ये बताता हूँ कि टाइप 14 होती कैसे, टाइप 14 में अपन करने वाले क्या हैं। टाइप 14 में अपन को निकालनी है, या अपन सवाल से देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि सवाल क्या कहता है। चलो सवाल नंबर एक आपको बोर्ड की तरफ दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल नंबर एक कहता है कि इफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज्ड बाय 12% देन नेट इनकम इंक्रीज्ड बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अगर आयकर में 12% की कमी होती है तो शुद्ध आय में 3% बढ़ जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। आपको क्या निकालनी है, आयकर की दर निकालनी है, आयकर की दर निकालनी है दोस्तों। जब आपको आयकर की दर निकालनी होती है तो मैं आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उससे ऐसे सभी सवाल हो जाएंगे। फॉर्मूला नहीं है कोई, छोटी सी ट्रिक है। देखिए क्या है ये ट्रिक, आयकर की दर बराबर शुद्ध आय में बदलाव बटे में कुल बदलाव, शुद्ध आय में बदलाव बटे में कुल बदलाव। कुल बदलाव का मतलब हो गया दोस्तों कि उसके आयकर में, आयकर प्लस में शुद्ध आय, शुद्ध आय दोनों में कितना बदलाव आया, इसका मतलब ये हो गया। वापस देख लीजिए एक बार, अपन को आयकर की दर निकालनी होगी जिसमें अपन क्या करेंगे, शुद्ध आय में जितना बदलाव होगा जो सवाल में दिया होगा, तथा कुल बदलाव कितना होगा सवाल में। कुल बदलाव में कौन कौन सा आएगा, शुद्ध आय का बदलाव और आयकर का बदलाव, चाहे वो घटे या बढ़े उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को क्या निकालनी, आयकर की दर निकालनी। चलिए सवाल नंबर एक आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर आयकर में 12% की कमी होती है तो शुद्ध आय में 3% बढ़ जाती है। अपन को निकालनी आयकर की दर, मैं बराबर लिख देता हूँ शुद्ध आय में इसने कितना कहा, 3 कहा, और कुल बदलाव कितना है, 12% की तो आयकर में हो रही है, 3 जो हो रहा है वो किस में हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है अपना शुद्ध आय में। तो 12 और 3 कितने होते हैं, 12 + 3, और प्रतिशत गुणा में अगर 100 करोगे तो प्रतिशत आ जाएगा, तो 3/15 गुणा में 100, और आपको पता है 3/15 1/5 आएगा, गुणा में 100 करोगे तो दोस्तों 20% जो है वो आयकर की दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आयकर की दर आ जाएगी दोस्तों। इस फॉर्मूले से जितने भी सवाल आयकर की दर पे पूछे जाते हैं सब के सब हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आयकर की दर निकालना है। सवाल में दिया होगा शुद्ध आय में कितना बदलाव आया, और कुल बदलाव आपको निकालना है जिसमें सवाल में शुद्ध आय का बदलाव दिया होगा और आयकर का बदलाव दिया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, सवाल नंबर दो देखते हैं दोस्तों। चलो सवाल नंबर दो, बोर्ड की तरफ आपको दिख रहा होगा दोस्तों सवाल नंबर दो क्या कह रहा है। सवाल नंबर दो, बिना समय गवाए सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है, आयकर बढ़ रहा है इस बार, 17% की क्या हो रही है,
वृद्धि हो रही है, तो आयकर में कितनी हो रही है, 17% की वृद्धि हो रही है, कोई बात नहीं। तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो शुद्ध आय में क्या हो जाता है, 3% की कमी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, 20%। अच्छा, शुद्ध आय में कितनी कमी हो रही है, 3 की हो रही है, और टोटल कितनी है, 20 की हो रही है दोस्तों, और गुणा में मैंने क्या कहा था आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ लिख लिया है, गुणा में 100 करोगे तो प्रतिशत आ जाएगा, तो गुणा में आप 100 कर दीजिएगा, आपको पता है 20 से 5 बार ये जाएगा और 15% निकल के आएगा, जो कि आयकर की दर होती है। क्या निकल के आएगी, ये आयकर की दर निकल के आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ऐसे जितने भी सवाल हैं केवल आपको ये समझना है और आपके उत्तर निकल के आपके सामने आ जाएंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना ना भूलें आप। चलो सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं इसी में दोस्तों, सवाल नंबर 3 करते हैं दोस्तों, आपको बोर्ड की तरफ सवाल नंबर 3 दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सवाल नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगर आयकर में 22% की वृद्धि होती है, क्या हो रही है दोस्तों, 22% की वृद्धि हो रही है, तो शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है, तो शुद्ध आय में कितना हो रहा है, 3% की कमी हो रही है दोस्तों, तो आपको 3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कोई बात नहीं। आपको पता है शुद्ध आय में बदलाव कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है, आयकर में 22 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 25, और गुणा में 100, 25 से कितनी बार दोस्तों, 4 बार, और 4 3 12%, क्या आ गई दोस्तों, आयकर की दर आ गई। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, पर बहुत इजी वे में हो जाएगा, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो और हमारी वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही हमारा मनोबल है, इसी के ऊपर हम, इसी की बेस पे हम चल रहे हैं दोस्तों। आने वाले सवालों में या फिर आने वाले पाठों में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे दोस्तों जो बहुत ही अलग होगी, अपन गणित को एक अलग ही पोर्टफोलियो में लेके पढ़ेंगे दोस्तों, मतलब कैसे अपन व्यवहार से, कैसे अपने गणित के खुद के पर्सनल ज्ञान से कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा ये भी सवाल अगर अपन ने किया तो अपन ने किसी फॉर्मूले से नहीं किया, ये व्यवहारिक ज्ञान से किया कि इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अपन ने 1 सेकंड का सवाल है और कई बार मेंस में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, छोटे एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।